गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे और 5.3 में जो आपके क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो इससे पहले जो हमने मनी के जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने एडिशन ऑफ मनी पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार टॉपिक हमने इससे पहले कवर किए थे। आज हम जो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड के जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, एट ए रिटेल आउटलुक रीता बॉट फ्रूट फॉर ₹223.50 एंड वेजिटेबल फॉर ₹148.50, हाउ मच डिड शी स्पेंड। ठीक है, अब रीता जो है, रीता ने क्या किया, एक रिटेलर की शॉप से क्या किया, उसने फ्रूट्स लाए, ठीक है, फ्रूट्स खरीदे। तो फ्रूट्स की जो कॉस्ट है आपके पास वो है ₹223.50। ये आपके पास क्या है, कॉस्ट है फ्रूट की, राइट। उसके बाद जो है वेजिटेबल की जो कॉस्ट है, वेजिटेबल्स की जो कॉस्ट है वो है ₹148.50, राइट। तो आपको बताना है उसने टोटल पैसे कितने खर्च किए। तो टोटल पैसे कितने खर्च किए जब हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपके पास क्या जाएंगे, इसके जो इसने टोटल पैसे खर्च किए होंगे तो आपके पास क्या जाएगा, वो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे 500 10 कैरी 1, यहाँ पे पॉइंट 8 3 11 12 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ₹372 जो उसने खर्च किया, राइट। तो इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मुक्ति परचेज हिंदी बुक फॉर ₹325.50, इंग्लिश बुक फॉर ₹420.50 एंड मैथमेटिक बुक्स ₹428.50, हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑन दीज बुक्स। अब यहाँ पे मुक्ति जो है वो बुक्स खरीदती है, हिंदी की जो बुक खरीदती है, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की जो बुक्स खरीदती है उसकी कीमत कितनी है, हिंदी के लिए मैच लिखूँगा, हिंदी की बुक जो है ₹325.50। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश की जो बुक है वो है ₹420.50। और उसके बाद जो है मैथ्स की बुक, मैथ्स की बुक की जो कॉस्ट है वो है ₹428.50। तो आपको बताना है कि उसने टोटल मनी कितने क्या किए इन बुक्स को खरीदने के लिए स्पेंड किए। तो तीनों को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो आपके पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला है आई हैड ₹80,875। ध्यान से सुनना, मेरे पास जो है ₹80,875 है, ठीक है। आई बॉट गुड्स वर्थ ₹16,835, मैंने कोई गुड्स लाए, सामान लाया, ठीक है, कितने रुपीज़ का, ₹16,835 का उनकी ये कीमत है। तो आगे पूछा है व्हाट अमाउंट इज़ लेफ्ट विद मी, अब मेरे पास जो कितना अमाउंट बचेगा, तो इसको आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास क्या जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हमने आपको नोट्स भेजे हैं उन पे ये किए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो, राइट। तो सब्ट्रैक्ट जैसे करते हैं वैसे आपको ये यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे लिए बताया है ए गिफ्ट कॉस्ट इज ₹2014, एक गिफ्ट की कीमत कितनी है 2014, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 43 सच गिफ्ट। आपको 43 सच गिफ्ट्स, एक गिफ्ट की कीमत जो आपके पास है 2014 है, आपको 43 सच गिफ्ट्स की कॉस्ट बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 43 के साथ, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 43 गिफ्ट्स की। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक और देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे बताया है कॉस्ट ऑफ 13 कंप्यूटर। अब देखो 13 कंप्यूटर हैं, 13 कंप्यूटर की कॉस्ट बताई है 3,07,424।
13 कंप्यूटर की कॉस्ट इतनी बताई है आपको, एक कंप्यूटर की कॉस्ट बतानी है कितनी होगी। तो एक कंप्यूटर की कॉस्ट जब आपको बतानी है तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना 13 के साथ। जब आप 13 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या जाएगी, एक कंप्यूटर की जो है कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।